नमस्ते दोस्तों, आज जो अनुराग यादव के घर पर हुआ वो नहीं होना चाहिए। आज अनुराग यादव का परिवार एक बार फिर जो है वह दुखी है। जिस मांग को लेकर अनुराग यादव का परिवार गुहार लगा रहा था, आज एक व्यक्ति गोरखपुर से आता है और वह कहता है कि इस जो विवादित घर है, जो अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर निर्माण किया हुआ घर है, उस पर बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। पीछे आप जो तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये वही घर है लालता यादव का, जिस पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर लगातार परिवार गुहार लगा रहा था प्रशासन से और कह रहा था कि यही वो घर है, यही वो ज़मीन है जिसकी वजह से मेरे बेटे की जान गई है, इस घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन आज गोरखपुर से एक बाबा आते हैं, बाबा जो कहते हैं कि घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, जिसकी वजह से परिवार एक बार फिर जो है मायूस हो जाता है उनके इस बयानबाजी से। आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे वो कौन बाबा हैं, उनकी क्या मांगे हैं और किस वजह से वो ऐसी मांग किए हैं कि घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, और आपकी क्या राय है या इस जो सरकारी ज़मीन पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, आप हमें राय अपनी कमेंट बॉक्स में दीजिए और बाबा जी क्या कहते हैं वो ज़रूर सुनिए। अभी यहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? क्या यहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चल रहा हूँ, वहीं ज्ञापन होगा। अच्छा। वहाँ पर डीएम को ज्ञापन देंगे आप? हाँ, डीएम साहब जिसको भी आप वहीं चलिए, अब वहीं चलिए, ज्ञापन होगा वहीं कलेक्टर साहब के यहाँ। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है उसके घर को, उसकी बहनों में से किसी एक को नौकरी और उसके माता पिता को सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी दें ताकि वो सर्वाइव कर सकें, ये मुख्य मांग है। और जैसे उनके परिवार की सबसे बड़ी मांग ये है कि घर के ऊपर बुलडोजर चलना नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर ये कौन सी मांग होती है? बुलडोजर चलने से जीवित हो जाएगा क्या वो? ये कैसी बेहूदी मांग हो रही है? अपने जीवन की मांग करनी चाहिए। बुलडोजर से क्या हो जाएगा? बुलडोजर से उस प्रतिपक्षी का घर गिर जाएगा तो इससे क्या मिल जाएगा इनको, आप बता दीजिए हमें, जिस बुलडोजर की आलोचना हो रही है। लेकिन उसी की कड़ी निंदा नहीं, हम मैं बुलडोजर के लिए मांग, देखिए इस पर लिखा हुआ है, कहाँ है ये? इस पर देखिए, फोटो खींच लीजिए, बुलडोजर मेरा विषय नहीं है, देख लीजिए उस पर। लेकिन उसी का तो वही तो जड़ था ना? नहीं, हम वो जड़ था तो क्या, वो जड़ था कि ये जो विवाद हल नहीं किया गया है, समस्या का समाधान नहीं, समस्या का समाधान नहीं। बुलडोजर की हम पैर भी करने नहीं है, जबरदस्ती उसने मकान बनाया, इसी के कारण से ये सारी चीजें हुई। मेरी बात, मेरे पास माइक लगाए हैं, मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं बुलडोजर नहीं चलवाने के पक्ष में, आप बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अनुराग की बहनों में से किसी एक की नौकरी दे दी जाए, उनके माता पिता को आर्थिक सिक्योरिटी दी जाए। मैं ये दो मांग करने आया हूँ, और कड़ी से कड़ी सजा तहसील और थाने को किया जाए, इन लोगों के लापरवाही से उसकी हत्या हुई है, बस। सरकारी जमीन पे सरकारी जमीन पे भी हो तो भी नहीं चलना चाहिए? ये बहस का विषय है, ये हमसे क्यों इस पर हम नहीं, कोई नहीं 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 आप सरकारी सरकारी पर से क्या है सर, ये वो, उनका नंबर है, वो है नहीं उधर, वो तो बता रहे हैं उधर ही से हैं इधर, जरा उनको मिलाओ सईद को, नंबर याद नहीं है उनको, दे देना तो फोन दो हमको, हमारा फोन भी काम नहीं कर रहा। ऐसा सवाल करोगे यार, विपत्ति के घड़ी में रिलीफ देना चाहिए कि अब बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चल जाएगा समस्या तो क्या का समाधान? परिवार जिस प्रकार से जो मांगे कर रहा है, परिवार की दो तीन मांगे हैं उसमें प्रमुख परिवार 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 इस विपत्ति के घड़ी में जो आक्रोश में इस तरह की मांग कर रहा है, ये मांग उचित नहीं है। हमको आपको समझदारी से अवैध रूप से अगर अतिक्रमण करके बनाए, ये यहाँ हम अवैध खत्म कराने नहीं आए हैं, पहली बात जान लीजिए। मैं केवल उस पीड़ित परिवार के लिए आया हूँ कि उस पांच बहनों में से एक को रोटी मिल जाए। अच्छा, ठीक है।